बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अलीना बेग। आई होप आप सब ठीक ठाक है। सॉरी कि आज थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से हम लेट सारा लाइव स्टार्ट कर रहे हैं अपना। आज का टॉपिक हमारा जो है वो स्लीप है, जो ऑटिज्म में अक्सर बच्चों में देखा गया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं। ARGP के प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने फाइल्स काफ़ी दफ़ा शेयर किए हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज स्लीप रिगार्डिंग शेयर किए हैं, लेकिन स्टिल शायद उसको कॉम्प्रीहेंड करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो आज मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे ASD बच्चों की स्लीप जो उनसे इम्पैक्ट होती है। शहीरा, कैन यू प्लीज़ चेक कि हम लोग लाइव हैं? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। जी एलिना, हम लाइव हैं। आप कंटिन्यू। ओके ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ और लेट मी नो इफ इट्स वर्किंग। ओके स्टार्ट। ओके शीरा, कैन यू सी इट? इट्स ओके। जी, बिल्कुल, कैरी ऑन। ओके, लाइक आवर टॉपिक इज स्लीप इश्यूज एंड ऑटिज्म। अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, लेकिन मेरी इंटेंशंस यही हैं कि जो लोग अंडरलाइन मेडिकल इश्यूज, बिहेवियर इश्यूज या एनवायरमेंटल इश्यूज स्लीप से रिलेटेड नहीं समझ पाते, उनको आसान अल्फाज में इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टू प्रोवर्ब्स। देर इज एन आयरिश प्रोवर्ब, अ गुड लाफ एंड अ लॉन्ग स्लीप आर द टू बेस्ट क्योर्स फॉर एनीथिंग। यानी कि हंसी और अच्छी नींद जो सी है, दे कैन क्योर एनीथिंग, हर बीमारी का हल उसमें मौजूद है। इसी तरीके से ये तो हम बचपन में भी सुनते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वाई डू वी नीड स्लीप, हमें नींद की क्यों ज़रूरत होती है? स्लीप इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो रिचार्ज होती है नेक्स्ट डे के लिए। और स्लीप में सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी थकन उतरती है, दिस इज अ प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी जो है डिजीज के साथ फाइट करती है। आपका जो लिवर है वो तमाम दिन का जो अंदर गुबार जमा होता है उसको डिटॉक्स करता है। आपका जो ब्रेन होता है वो अपने उस टाइम कुछ ऐसे फंक्शंस दे रहा होता है जो कि जिसको जिसकी वजह से जो हमारी स्लीप है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर ये कहा जाए कि विदाउट एनफ स्लीप वी आर ऑल लाइक टॉल 2 years ओल्ड, तो ये गलत नहीं होगा। हम लोग जो स्ट्रेस फील करते हैं, अगर हम वी हैव नॉट स्लेप्ट वेल एक दिन पहले, तो हम लोग नेक्स्ट डे नहीं फंक्शन कर सकते। अब स्लीप की बायोलॉजी क्या है कि देयर आर टू फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व। एक तो होम्योस्टेसिस होता है जिसमें आप की बॉडी जुन्सी होती है, दैट इज अगर आप जितना ज्यादा जागेंगे उतना ज्यादा ही यू हैव द ड्राइव टू स्लीप, आप उतना ज्यादा सोने की आपकी अर्ज बढ़ेगी। और जो एक होता है सर्काडियन रिदम जिसकी अक्सर लोग डिस्कशन करते हैं या उसके बारे में बात की जाती है, इट इज लाइक एन इंटरनल क्लॉक जिसमें आपका जो ब्रेन होता है वो रेगुलेट करता है वी स्लीप आइदर फील स्लीपी, हम या तो वी फील स्लीपी या फिर हम ज्यादा अलर्ट होते हैं। और इट इज समथिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाय लाइट। अब लाइट का कितना बड़ा रोल है स्लीप के अंदर वी विल गेट टू नो इन द कमिंग स्लाइड्स। स्लीप के जो फेजेस होते हैं, एक तो रेम फेज होता है, एक एनरेम या नॉन रेम फेज होता है। रेम फेज में दैट इज द फेज जिसमें हम ड्रीम करते हैं और इसमें हमारी इरेगुलर सी ब्रीदिंग होती है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा जब आपके बच्चे या कोई भी फैमिली मेंबर आपके साथ सो रहा हो तो आप उनकी आई मूवमेंट देखेंगे, हल्की हल्की सी आई मूवमेंट हो रही होती है। इसी तरीके से जो नॉन रेम जो होता है स्टेज होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है सेवरल स्टेजेस में, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में आप बहुत इजीली जाग सकते हो, जबकि स्टेज 3 और स्टेज 4 वो ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप बहुत डीप स्लीपिंग कर रहे होते हो, आपके तमाम मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं। अब जो स्टेजेस ऑफ स्लीप्स हैं, एक बड़ा अच्छा इंफोग्राफिक है, इट कैन लेट यू नो कि
लाइक इट्स द फर्स्ट स्टेज इज के आप अवेक, यू आर अवेक, देन यू गो टू लाइट स्लीप के मोड में जाते हो, देन यू गो इनटू द डीप स्लीप और फिर रेम स्लीप जिसकी हम बात पहले कर रहे थे. स्लीप साइकिल कैसे होते कि फर्स्ट स्टेज में यू फील ड्राउजी, ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes तक आपको एक ड्राउजीनेस की फीलिंग होती है. स्टेज टू में जब आप एंटर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द लाइट स्लीप मोड, उसमें आपके लास्ट इट लास्ट ऑलमोस्ट 20 minutes. उन 20 मिनट के बाद आप जो से है स्टेज थ्री में एंटर हो गए जो कि मॉडरेट स्लीप कहलाती है, जिसमें के इट लास्ट ऑलमोस्ट 10 to 20 minutes. फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड द डीप स्लीप स्टेज और इसमें होता है कि आप दैट फेज ऑलमोस्ट लास्ट 30 मिनट्स अगैन. और फाइनल स्टेज उनसे होता है दैट इज कॉल्ड द रेम स्टेज जिसकी हमने पहले भी बात की थी. अक्सर पेरेंट्स लोग आके इस चीज़ का कंसर्न शो करते हैं, अच्छा कितनी ज़्यादा नींद ज़रूरी होती है एक बच्चे के लिए या एक टॉडलर के लिए. तो दिस इज़ समथिंग यू कैन सी ऑन योर जो आप अपने मोबाइल फोन्स पे या अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हैं कि न्यू बॉर्न से जब आपका बच्चा पैदा होता है उससे 3 months के बीच में उसकी जो स्लीप रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 12 to 18 hours. और जो डीप स्लीप की नीड उसको होती है वो 2.5 to 3.5 घंटे होती है. इसी तरीके से अगर 3 महीने से 1 साल तक का बच्चा होगा तो उसकी स्लीप रिक्वायरमेंट 14 घंटे से लेके 15 घंटे तक की होती है. 1 से 3 साल का बच्चा 12 से 14 घंटे एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब स्लीप प्रॉब्लम्स जो कि अक्सर एएसडी बच्चों में देखी जाती है और बहुत ज़्यादा ऐसी रिसर्चेस होती हैं जो प्रूव कर रही है कि ऑलमोस्ट 50 to 80% जो बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म का शिकार है उनमें स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं. और ये स्लीप प्रॉब्लम्स सिर्फ उनकी नींद ही नहीं ख़राब करती बल्कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को ख़राब करती हैं. देर इज़ अ ह्यूज रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप प्रॉब्लम्स एंड ADHD. अक्सर ये भी देखा गया है कि जो बच्चे हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म जिसे कहा जाता है उनमें स्लीप के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. इसी तरीके से जो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं दूसरे अगर कोई डाउन सिंड्रोम का बच्चा है या कोई CP चाइल्ड है उससे भी ज़्यादा जो रेट है ऑटिस्टिक बच्चों में स्लीप ख़राब होने का ज़्यादा होता है. इसके कहा जाता है कि जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी जो इंटरनल क्लॉक जिसको हमने सर्कैडियन रिदम की बात की वो अफेक्टेड होती है, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती बॉडी में. और इसी तरीके से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट होता है बच्चे पे, मेडिकल या सोशल कोई फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे. इंशाल्लाह हम इसको आगे जाके डिस्कस भी करेंगे. न्यूरोबायोलॉजी क्या होती है स्लीप की, कि इसमें ये देखा गया है कि न्यूरो ट्रांसमिटर्स जो कि सेरोटोनिन या गैबा या मेलेटोनिन होती है वो अफेक्टेड होती है, उनकी प्रोडक्शन उतनी नहीं हो रही होती जो एक वेल बैलेंस बॉडी की होनी चाहिए. इसी तरीके से जीन्स कुछ होते हैं जो कि गैबा की फंक्शनैलिटी में हिंड्रेंस कॉज करते हैं. सेरोटोनिन लेवल उनका जो कि दैट इज़ कॉल्ड द कामिंग हार्मोन दैट इज़ अफेक्टेड, वो बहुत कम उसकी प्रोडक्शन होती है. और सेरोटोनिन की वजह से ही की कम प्रोडक्शन की वजह से ही हमारे बच्चे बहुत एंजाइटी का या रेस्टलेसनेस का शिकार रहते हैं. इम्पैक्ट क्या होता है एएसडी बच्चों पे जब उनकी नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस आता है, जब बच्चे स्ट्रेस में आएंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स स्ट्रेस में आते हैं, बिहेवियर इश्यूज हो सकते हैं या बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं. यूजुअली देखा जाता है कि न्यूरोटिपिकल जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अगर उनको नींद उनकी पूरी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे वो बहुत ज़्यादा थके थके से होंगे, जबकि यहाँ एएसडी बच्चों में ऑपोजिट होता है सब कुछ, बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं. और इसके अलावा रिपेटिटिव बिहेवियर देखा गया है वो बहुत बढ़ जाते हैं, सेमनेस, दे वांट सेम थिंग्स, सेम पैटर्न उन्हें चाहिए होता है, सोशल स्किल्स उनकी इफेक्ट होते हैं. इसी तरीके से या तो उनकी फूड की कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है या बच्चे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते. रोल क्या है स्लीप का लर्निंग में, बिकॉज दिस इज समथिंग पेरेंट्स को कंसर्न जो सबसे बड़ा होता है कि हमारा बच्चा अगर सो नहीं पा रहा तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट गोइंग टू लर्न. तो उसमें यही होता है कि बिहेवियर रेगुलेशन नहीं हो पा रही होती है, आपकी जो कॉग्निशन है वो अफेक्ट होती है, मेमोरी अफेक्ट होती है. और जो रेम साइकिल होता है या रेम मूवमेंट्स होती हैं दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो मेमोरीज की रेगुलेशन होती है वो उस पीरियड ऑफ टाइम में हो रही होती है. इसी तरीके से आपकी बिहेवियर की रेगुलेशन जो होती है वो इफेक्ट होती है, इट अफेक्ट्स द इम्पल्सेस.
कॉमन कंसर्न्स जो यूजुअली लोग शेयर करते हैं एएसडी बच्चों में, वो यही होता है कि या तो मेरा बच्चा बिल्कुल सो नहीं पा रहा, या फिर ये है कि अगर सोता है तो रात को जल्दी जाग जाता है, उसकी जो अगर नींद है वो बहुत ज़्यादा उस इतनी एफिशिएंट या इतनी अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं होती, एपिलेप्सी होती है, जर्क्स रात को फील होते हैं, या एकदम से बच्चा उठता है तो वॉमिट करता है जिसमें गर्ड का हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को। तो कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनके स्टार्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है सीन आपकी स्लीप में? तो उसमें मेडिकेशन स्पेशली एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन जो सी होती है, ये साइकोट्रोपिक्स मेडिसिन होती है, वो एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। उनके बाद अक्सर देखा गया कि बच्चों की नींद जो सी है वो ख़राब होती है, दे कैन नॉट वेक अप फ्रेश इन द मॉर्निंग, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सुबह उठना, रेजिस्ट करते हैं रात को सोते हुए, या फिर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस स्लीप होती है उनकी। इतनी तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। इंसॉम्निया, अगेन इट इज़ लाइक समवन इज अनेबल टू स्लीप, और ये एक ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशन देखी गई है जो ADHD के बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, बिहेवियर कंसर्न्स बढ़ते हैं, लिमिटेड कम्युनिकेशन स्किल भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है इंसॉम्निया में। नाइट वेकिंग, जिसमें बच्चे रात को एकदम सोते तो हैं लेकिन उठ के बैठ जाते हैं, और दिस इज समथिंग इज कॉमन इन ASD बच्चों में भी, और न्यूरोटिपिकल जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें भी वो रातों को जागने की अक्सर टेंडेंसीज होती है, लेकिन जो ASD बच्चे होते हैं उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और उसके साथ क्या एसोसिएटिव बिहेवियर होते हैं कि जब बच्चा रात को जाग जाता है तो वो हंसता है या अपने आप से बातें करता है, प्ले करता है चीज़ों के साथ, स्क्रीमिंग अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, या फिर वो घूमना फिरना शुरू कर देते हैं घर के अंदर, या फिर वो कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स का सेल फोन ले लें, या कोई खाना उनको चाहिए होता है। एक और जो स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसे हम RLS भी कहते हैं वो भी होते हैं। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा रात को लेटते हैं ना तो टांगे मारते हैं, ये अक्सर कंप्लेंट सुनी गई है, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि इन बच्चों का अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो इनमें फेरेटिन लेवल्स कम होंगे, आयरन कम होगा, और ये है कि अगर आप इन ऐसे बच्चों को आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। OSA एपनिया भी कहा जाता है कि जब बच्चा रात को सोता है ही कैन नॉट ब्रीद प्रॉपरली, वो भी एक कॉज होता है जिसकी वजह से जब आप चोक करते हो आपका गला सूखता है, अक्सर बच्चे मुंह खोल लेते हैं बिकॉज नाक से आप सांस नहीं ले सकते तो फिर आप मुंह खोल के सांस लेते हो तो गला सूखता है तो आप चोक भी कर सकते हो। इसमें ये होता है कि एयरवेज ब्लॉक्ड होते हैं आपके ब्रीदिंग के, और ये एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये देखा गया था कि ADHD बच्चों में जब OSA को ट्रीट किया गया तो दे लॉस्ट देयर डायग्नोसिस। ये इतना इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसको अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है। पैरासोमनिया में क्या होता है, इट इज काइंड ऑफ अ स्लीप डिसऑर्डर जिसमें मुख्तलिफ किस्म की अनडिजायरेबल सी फिजिकल इवेंट्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस बच्चा स्लीप वॉक करता है, स्लीप टॉक करता है, उठ के एकदम से बैठ जाएगा, आप उसे हिला के देखेंगे लेकिन ही कैन नॉट आंसर एनीथिंग, वो बातें करेगा और आपको ऐसे लगेगा कि अच्छा वो जागा हुआ है जबकि वो नींद में ही होता है। इसी तरीके से ये स्टडीज हुई हैं कि पैरा इंसॉम्निया की भी जो केसेस है वो ASD बच्चों में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। लो ब्लड शुगर जिन बच्चों का होता है वो भी रात को उठ के स्क्रीम करना शुरू कर देते हैं, और स्पेशली हमारे जो लिवर होता है जिसका मैंने पहले भी बताया था, ये रात को डिटॉक्स करता है, उसको उस टाइम एनर्जी चाहिए होती है जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो एनर्जी रिक्वायर करता है। अगर बच्चा ठीक से खाता पीता नहीं है तो उससे क्या होगा कि उसका लो ब्लड शुगर होगा, ग्लाइकोजन की कमी होगी, तो लिवर डिटॉक्स नहीं करता जिसकी वजह से भी बच्चे उठ के बैठ जाते हैं रात को। तो ऐसे बच्चों के लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि उन्हें हाई प्रोटीन डाइट दी जाए, हाई फैट स्नैक दिया जाए सोने से पहले, जैसे कोई टर्की का स्लाइस हो गया, एवोकाडो वगैरह, ये आप दे सकते हैं। और ऐसे बच्चे में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं जिसको देखने की बहुत ज़रूरत होती है। अदर मेडिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अगेन लो फेरेटिन हो सकता है,
कम पोटेशियम अगर बच्चे की बॉडी में हो तो तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, फूड सेंसिटिविटीज देखी गई है, हिस्टामिन का इशू जिन बच्चों को होता है तो उनके भी स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं, फिनॉल्स होते हैं, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो तो तभी आपकी बॉडी जो सी है इट कैन नॉट काम डाउन, वाइटामिन डी डेफिशिएंसी, हाई कॉर्टिसोल लेवल होता है तो जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है. कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं? दीज दोज वर द मेडिकल फैक्टर्स. अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम देखेंगे तो उसमें होते हैं कि हो सकता है कि आपके कमरे का टेम्परेचर अच्छा नहीं है जो आपके बच्चे की बॉडी के लिए को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम दे रहा हो. लाइट सेंसिटिविटी इसको हो सकती है, साउंड सेंसिटिविटी हो सकती है, शायद आपको आवाज़ ना आ रही हो. लेकिन हमारे बच्चों जो से होते हैं घड़ी की आवाज़ जो टिक टिक होती है ये भी इनके लिए बहुत लाउड होती है. शायद हो सकते हैं जो बेडशीट आपने बिछाई है उसका टेक्सचर उसे नहीं अच्छा लग रहा, या फिर उसके इर्द गिर्द जो कोई सरहाना है या कुशन बड़ा है वो उसको उसका टेक्सचर अच्छा नहीं लग रहा. स्मेल उस टाइम कमरे की कैसी है, शायद हमें तो इतना फील ना हो लेकिन हमारे बच्चों की ऑल्फैक्टरी जिनको सेंसरी इश्यूज होते हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के होते हैं. तो स्मेल हो सकती है कमरे में कुछ ऐसी हो जो कि उसको बुरा इफेक्ट दे रही है. ऑब्जेक्ट्स या कोई एक्टिविटीज है, सेल फोन पड़ा हुआ उसको होगा कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं सेल फोन ग्रैब करूंगा, वीडियो गेम्स खेलूंगा, या टीवी लगा हुआ है कमरे में तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. या फिर घर में अक्सर जो ये देखा जाता है जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो लोग आते जाते रहते हैं. हमारे घर में भी ऐसे बहुत ज़्यादा होता है कि लाइक इफ आई टेक माय चिल्ड्रन टू स्लीप तो दूसरे कमरे में भी अगर कोई टीवी लगा के देख रहा है तो, या फिर बार बार अंदर बाहर कोई आ रहा है तो उसकी वजह से बच्चे मेरे सो नहीं पाते. बिहेवियर फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? बेड टाइम रूटीन बच्चे की ना बनी हो, अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है उस बच्चे का सारे दिन में, अगर किसी इम्बैलेंस एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डे, स्पेशली पेंडेमिक के दिनों में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बच्चों की रूटीन ख़राब हो गई है. जो वो सुबह उठते थे और अपने थेरेपी सेंटर्स जा रहे हैं या अपने स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, थेरेपी सेंटर नहीं जा सकते. इसी तरीके से जो आउटडोर एक्टिविटीज थी वो रिस्ट्रिक्ट होके रह गई है. डाइट का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है, ऐसे सिनेरियोज में आपकी डाइट हमेशा जंक पे शिफ्ट हो जाती है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है. या तो बच्चा हंग्री हो, भूखा हो, टाइमली उसने खाना ना खाया हो तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है. नैप्स ड्यूरिंग द डे, क्योंकि आपकी हमेशा ये होता है कि नींद का साइकिल जब ऑपोजिट हो जाता है तो बच्चे दोपहर में सोते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं चलो सोने दो अभी सो जाएगा कोई बात नहीं, रात को नहीं सोया था, लेकिन फिर वो बच्चा वही साइकिल को रिपीट करेगा और फिर रात को नहीं सोएगा. बहुत ज्यादा टाइम अगर बच्चे बेड में स्पेंड करते हैं तो वही एक एसोसिएशन बना लेते हैं कि अच्छा दिस इज समथिंग कि जहाँ पे आपने बैठ के खेलना है. तो मेक श्योर कि जब आप बच्चे का स्लीप पैटर्न को सही करने की कोशिश करें तो उसको बहुत ज़्यादा बिस्तर में ना छोड़े. हैबिट्स होती हैं, कोई शायद आपने एक्सीडेंटल ऐसा री इन्फोर्सर दे रही है जिसकी वजह से उसका स्लीप पैटर्न बिहेवियर अफेक्ट हुआ है. वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे? अभी ये तो सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आप इनका हल भी निकालें तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे का कंसर्न क्या है. क्या उसको एसिड रिफ्लक्स है, या उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, या आपका बच्चा जो से है वो लोगों के आने जाने से तंग है, या कोई स्मेल है कमरे में, या टेक्स्चर उसे अच्छा नहीं लग रहा, कौन से ऐसे रीज़न है वो आपको चॉक डाउन करें. फिर आपने इस्टेब्लिश करनी है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स. यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस कि अच्छा ये सारा मैंने उसका कंसर्न जो सही था एक स्पेसिफिक चीज़ को तो मैंने पकड़ लिया, कोई इशू था, मेडिकल कंसर्न था या बिहेवियर का. अब ये है कि आज से मैं क्योंकि उसे टैकल करूंगी तो मेरा बच्चा आज रात को सो जाएगा या कल रात को सोएगा, ऐसा नहीं होता है, टेक सम टाइम. इसके अलावा स्लीप जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन बच्चों में जिनमें स्लीप का इशू बहुत क्रॉनिक होता है. जब आप स्लीप जर्नल मेंटेन करते तो आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि कौन सी ऐसी रीजंस थी, क्या खाना उस दिन खाया था कि आज उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई, कौन सी एक्टिविटी उसने सारे दिन में नहीं की या की है जिसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हुई है. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि स्लीप हाइजीन को आप प्रैक्टिस करें. स्लीप हाइजीन में आ जाता है कि यू हैव टू फॉलो द सेम टाइम सेम पैटर्न कि जब आप नींद के लिए बच्चे को सोने के लिए डालें और उसको सेम टाइम पे सुबह मॉर्निंग में जागना ज़रूरी है. इवन वीकेंड्स पे आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है कि आज वीकेंड है तो मैं 12 बजे तक बच्चे को सोने दूँ. अगर मैक्सिमम आप हाफ एन आवर या वन आवर का थोड़ा सा
उसको एक लेवरेज दे सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि 4 घंटे का डेफिसिट आप उसे दे। इसी तरीके से आपका जो बेडरूम है बच्चे का वो बिल्कुल क्वाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, रिलैक्सिंग होना चाहिए, क्योंकि जो स्लीपिंग हार्मोन होता है ना मेलेटोनिन, उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तब होती है जब बिल्कुल अंधेरा होता है। इसी तरीके से कंफर्टेबल टेम्परेचर हो, आप कमरे का टेम्परेचर चेक कर लें। अगर किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जैसे कि टीवी है, कंप्यूटर है, सेल फोन है, वो उसके कमरे से बिल्कुल हटा दें। हमने अक्सर EMF रेज के बारे में बात भी की है और मैंने ग्रुप में भी उससे डिटेल्स की थी उससे रिगार्डिंग। अगर आप उनको जाके देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से वो ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करती है और नींद को किस तरीके से वो एक तरह का डिस्ट्रॉय कर रही है। इसी तरीके से जो सेंसरी नीड्स है बच्चों की उसको मजीद टिप्स क्या हो सकती है इसमें, यह है कि डे टाइम की हैबिट्स कुछ बनाए जिसमें कि अटेंशन दे उसकी जो मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेज है उसके ऊपर, लाइट एक्सपोजर दे, सूरज में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि सूरज में जब वो जाएगा तो आपकी सेल के अंदर जो मेलाटोनिन होता है ना वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। इट इज रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसमें कुछ इंफ्रारेड रेज होती है जो कि उसकी एक्टिवेशन के लिए चाहिए होती है। इसी तरीके से कोशिश करें कि जब आपका बच्चा सोने वाला हो तो उससे तकरीबन 60 मिनट से 1 आवर 2 आवर्स तक आप उसको बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई स्क्रीन टाइम ना करवाएं, और उस टाइम कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जो बच्चे को स्टिमुलेट करे, ओवरली स्टिमुलेट करे। आप कोशिश करें उसको काम डाउन करें, वाइंड डाउन करने वाली एक्टिविटीज करवाएं, जो बेडरूम हो उसका वो सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल के लिए हो उसके सोने के। मजीद डीप प्रेशर मसाजेस आप कर सकते हैं, वेटेड ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल हो सकता है। मैग्नीशियम ऑयल मिलता है, मैग्नीशियम ऑयल का उसको मसाज कर सकते हैं। लावेंडर ऑयल भी होता है लेकिन एक्चुअली लावेंडर ऑयल एस्ट्रोजन लेवल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं लड़कों में, तो वो अवॉइड करना चाहिए। एप्सम सॉल्ट बाथ्स आप दे सकते हैं। बिहेवियर स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है कि यू कैन टॉक टू योर बिहेवियर थेरेपिस्ट अबाउट द बिहेवियरल इंटरवेंशंस। इसके अलावा आप विजुअल क्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुअल स्केड्यूल बना सकते हैं बेड टाइम के लिए, सोशल स्टोरीज आप उसको शेयर कर सकते हैं, इसी तरीके से बेड टाइम पास दे सकते हैं उसको। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि बेड टाइम पास कैसे होता है। इसी तरीके से मॉर्निंग में अगर वो रात को ठीक से सोता है और सुबह अब टाइमली जागता है तो आप उसको मॉर्निंग रिवॉर्ड दे सकते हैं। अगर इसके साथ आप ये नहीं करेंगे कि अच्छा बच्चा सोने के लिए किया है तो आप बिल्कुल क्लिंग कर जाए उसके साथ और यू कीप ऑन टॉकिंग टू हिम। आपने कोशिश करना है आप उससे बात ना करें और स्लोली एंड स्लोली आपने ना फेड आउट करना है कि वो अपने रूम की तरफ वो शिफ्ट हो और आपने अपनी प्रेजेंस को भी फेड आउट करना है। बोरिंग बनाए नाइट टाइम की इंटरेक्शंस को और ब्रीफ रखा करें। इसी तरीके से अगर आप उसको नए कमरे में शिफ्ट करें उसके कमरे में तो कीप ऑन चेकिंग ऑन हिम। एक तो अगर उसको अल्लाह ना करे किसी किस्म का मेडिकल कंसर्न है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो वो भी आपके चेक में रहेगा। और मजीद उस पेरेंट जब बच्चे को नए कमरे में शिफ्ट करते हैं तो बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, तो अगर आप खुद से बार बार जाके एक इनिशिएशन लेंगे तो बच्चा नहीं बिस्तर से निकलेगा, उसे ये होगा कि अच्छा ठीक है मेरे पेरेंट्स इधर है मेरे ऊपर चेक रखने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, ये नहीं आपने 3 दिन बच्चे के साथ नींद पे काम किया और 4th दिन आप भूल गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बेड टाइम रूटीन का स्केड्यूल है ये लेफ्ट साइड की तरह, आप देख सकते हैं कि आप उसे बता सकते हैं वी हैव टू टेक अ बाथ, देन पुट ऑन योर पीजेस, ब्रश योर टीथ, रीड अ बुक एंड गो टू बेड। और जो बेड टाइम पास की मैं बात करी थी, ये पास उसके पास हो के सिर्फ इट कैन बी एक्सचेंज फॉर ओनली 1 टाइम विजिट टू द पेरेंट, और या वो पानी पीने के लिए उठना चाह रहे हैं या नाइट टाइम का हग चाहिए या किस चाहिए, तो ही कैन शो इट टू द पेरेंट और बस वो एक दफा वो एक काम करके फिर अपने कमरे में वापस चला जाए। ये पीडियाट्रिक स्लीप लॉग होते हैं जो कि यूजुअली ऐसे लोग जो कि स्लीप के ऊपर रिसर्चेस करते हैं वो पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप ये लॉग अपने पास मेंटेन रखें। अगर तो आपका बच्चा जैसे कि रात को 8 बजे सो गया था तो आप डाउन एरो लगाएंगे उसके सामने कितने घंटे रहा सोता रहा, और उसके बाद जैसे वो 3 बजे उठ गया तो आप अप एरो लगाएंगे कि 3 बजे उठ गया। और ये जब लॉग आप मेंटेन करते रहेंगे सामने कॉमेंट सेक्शन या कॉमेंट्स में आप लिखें कि उसने ड्यूरिंग दैट जो सो के उठा है वो उस बीच में क्या उसने कुछ किया था या उस दिन में क्या उसने किया था कि जिसकी वजह से उसकी स्लीप इफेक्ट हुई है।
सबसे ज्यादा एक जो सप्लीमेंट सा है जो कि रिकमेंड किया जाता है लोगों को जिनको नींद का प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली जो बायोमेडिसिन की भी वर्ल्ड में बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं वो बच्चे लेते हैं मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन के बारे में बहुत ज्यादा किस्म के कुछ लोग कंसर्न शो करते हैं कि क्या ये हमारे बच्चे के लिए सेफ है। इसके बारे में बहुत ज्यादा ह्यूज रिसर्चेस तो नहीं हुई, लेकिन एक स्टडी हुई थी कि 107 बच्चों है जो ऑटिज्म पे थे उनकी स्लीप इम्प्रूव हुई थी मेलेटोनिन के बाद। और आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 mg से 30 मिनट्स बिफोर बेड टाइम, और 10 mg से ज्यादा आपने इंक्रीज नहीं करना। अगर 10 mg पे भी जाके आपके बच्चे को नींद नहीं आ रही मेलेटोनिन से, तो या तो उसकी दवाई चेंज करने की जरूरत है, या शायद कोई ऐसा मेडिकल इश्यू है जो कि आपसे ओवरलुक हो गया, आपने उसको ढूंढना है। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं मेलेटोनिन के? इट इज एक रीसेंट स्टडी आई है जिसके अकॉर्डिंगली इट इज नोन टू बी मोर पावरफुल देन ग्लूटाथायोन। इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये विटामिन ई से 2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी तरीके से ये इट हेल्प्स विद स्लीप, इट हेल्प्स विद इम्यून सिस्टम, इट इवन हेल्प्स विद योर ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन। जब हम मेलेटिनिन ले दे देते हैं बच्चे को तो हमें लगता है बच्चा सो जाएगा, लेकिन जो सब सेलुलर लेवल का मेलेटिनिन है वो तब तक एक्टिवेट नहीं हो सकता जब तक बच्चा नेक्स्ट डे जाके सूरज में नहीं खेलता, जब तक उसको जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसके साथ एक्सपोज नहीं किया जाता। तो इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि ठीक है आप मेडिकेशंस की तरफ तो लेके जाए, लेकिन आप अपने बच्चे का दिन का एक प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाए जिसमें वो बाहर जाके थोड़ा सा सूरज में टाइम गुजारे। विटामिन डी के लिए भी बहुत जरूरी है सूरज, लेकिन मेलेटोनिन की जो स्टिमुलस है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बच्चा दिन में जाके बाहर खेलता नहीं है, उसको एक्सपोजर नहीं मिलता सनलाइट का या इंफ्रारेड लाइट का, तो वो बच्चा सो नहीं पाएगा। इसके अलावा और बहुत से सोर्सेज है, दोज आर नॉट आई वुड से के नेचुरल सोर्सेस, जैसे इंफ्रारेड सोनास होते हैं, इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, वो भी ऐसे सिनेरियोस में यूज की जाती है। लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर कि आप नेचुरल, जब अल्लाह ताला ने आपको सूरज दिया है, आपको एक नेचुरल फैक्टर है आपके पास, तो आप उसको अवेल करें। इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल लाइट्स होते हैं, जैसे LED लाइट्स घरों में लगी होती है या ब्लू लाइट्स का एक्सपोजर होता है, ब्लू लाइट्स जैसे TV से निकलती है, इसी तरीके से आपके जो लैपटॉप होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं इंफ्रारेड की डिफिशियंसी में। अदर मेडिकेशंस होती हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड के उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर मेलेटोनिन से फर्क नहीं पड़ रहा तो ये कुछ एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं जो उनको दी जाती है। कई सिनारियोज में फिर उनको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे भी डालना पड़ता है, बट देर इज नो अप्रूव्ड स्लीप मेडिकेशन बाय FDA। FDA ने कोई ऐसी मेडिकेशन को अप्रूव नहीं किया। सिर्फ ये होता है कि जब हमारे बच्चे थोड़े से हाइपर एक्टिव होते हैं तो यहाँ पे लोग बेचारे इसके के अंडरलाइन मेडिकल कॉसेस को देखेंगे, क्या रीजन हो सकती है कि हाइपर एक्टिविटी की तरफ जा रहे बच्चे, उनको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में डाल देते हैं जो कि कल को जाके उनके लिए ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। ये कुछ रिसोर्सेज हैं। ऑटिज्म स्पीक टूल किट बहुत अच्छी है, आप इसको जाके एक्सप्लोर करें कि उसमें स्ट्रैटेजीज है कि किस तरीके से आप स्लीप को बेहतर कर सकते हैं। जो मैंने आपको एक पीछे पास दिखाया था, बेडरूम पास, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्लीप एंड ऑटिज्म हेल्प योर चाइल्ड, ये नेशनल एसोसिएशन ऑटिस्टिक सोसाइटी है UK की, यहाँ से आपको रिसोर्सेस मजीद मिल सकते हैं। ये स्टडी लिंक्स हैं जिनको मैंने एक्सप्लोर करके आज की प्रेजेंटेशन बनाई थी। इफ़ यू वांट दीज लिंक्स, दीज रिसर्चेस, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और दीज आर द रेफरेंसेस। मजीद अगर आपके कोई भी किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो, आई विल आंसर इट। शहीरा, आर यू देयर? शहीरा, आपको आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक शहीरा इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। एक सेकेंड, अलीना, नहीं, आई कैन हेयर यू, फॉर सम रीजन बैक स्ट्रेस स्पेशली मे बी। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नाउ। एक कोई पेरेंट है जिनका कोई कंसर्न है, म्यूजिक थेरेपी कैन हेल्प इन स्लीपिंग डिसऑर्डर्स इन ASD। ओके, एक सेकंड शहीरा, मैं आपको म्यूट कर लूँ। ओके,
अच्छा, म्यूजिक थेरेपी का स्लीप से क्या रिलेशनशिप हो सकता है? इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्चेस तो नहीं है, लेकिन म्यूजिक थेरेपी बिल्कुल ब्रेन की रेगुलेशन में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी बिल्कुल, मैं प्रेजेंटेशन आपसे शेयर कर दूंगी। माई सन हैज कॉन्स्टिपेशन एंड ही बाइट्स अस एंड हिमसेल्फ बैंग हिज हेड। जी बिल्कुल, इसमें देखिए वही चीज़ आ जाती है ना, अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो आपको उसके लिए देखना है कि रीजन क्या कॉन्स्टिपेशन की। यूजुअली ये होता है कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कहते हैं पानी नहीं पीते, और हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं करते, उनकी डाइट में फाइबर की बहुत ज्यादा कमी होती है। मजीद ये भी देखा गया कि जिन बच्चों को गट मोटिलिटी का प्रॉब्लम होता है, लो मोटिलिटी होती है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन रहती है बच्चों को। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की सूरत में। तो अगेन इन सिम्टम्स को या इन प्रॉब्लम्स को आप देखें कि रीजन क्या है, तो उनको वन बाय वन ट्रीट करें। ओके, रियली इंटरेस्ट, थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज योर नंबर? आई वांट टू डिस्कस माय सन। ओके, आई विल शेयर माय नंबर विद यू, आप फिर मुझे बता दीजिएगा, आई विल टॉक टू यू। मेरी बेटी को न्यूरोलॉजिस्ट ने मेलेटोनिन रिकमेंड की थी, मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं? जी बिल्कुल, अगर आपको रिकमेंड की थी मेलेटोनिन तो आप उसको जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। एक चीज है कि इसके मेलेटोनिन लॉन्गर रन पे दी जा सकती है, इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्चेस भी है। तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को बजाय इसके कि मेलेटोनिन पे डिपेंडेंट कर दे, अनलेस एंड अनटिल उसमें उसकी बॉडी में वो जीन ही एग्जिस्ट नहीं करता कि वो मेलेटोनिन प्रोड्यूस कर सके, तो कोशिश करें कि उसको हेल्दी एक्सरसाइजेस की तरफ और हेल्दी डाइटरी इंटरवेंशंस करें, जैसे सेरोटोनिन बेस्ड डाइट उसे दे, तो शायद मेलेटोनिन की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई सवाल? एनीथिंग एल्स? शहीरा, कैन यू सी समथिंग? आपको कोई सवाल नजर आ रहा है जो मैं मिस कर गई हूँ? हाँ नहीं एलिना, आपने सारा सारे क्वेश्चंस केटर कर लिए. आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग एलिना. बिल्कुल, आई विल जस्ट सेकंड व्हाट यू सेड. जैसे आपने बात की रेम स्लीप की, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि कंप्लेन करते हैं कि हम तो सोते ही नहीं है, लेकिन अगर उनके इर्द गिर्द के लोगों से पूछा तो कहते देन नहीं ये तो रात को सो रहे थे, हमें पता है दे वर स्लीपिंग. तो होता ही है कि बेसिकली वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप तक पहुंच ही नहीं पाते, डीप स्लीप तक नहीं जाते. और जब तक आप डीप स्लीप तक नहीं जाते आप रेस्टलेस फील करते हो और आपको ऐसे लगता है आप सारी रात सोए नहीं है. दूसरी बात, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनकी नींद जो इतनी डिस्टर्ब होती है, तो इन जनरल अगर हम सोचें तो मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिनकी स्लीप बहुत सेंसिटिव. मुझे सोने से पहले पूरा माहौल बनाना पड़ता है कि मेरे कमरे में जरा सी भी लाइट ना हो, कोई इर्द गिर्द मेरे शोर शराबा ना चल रहा. इवन मैं अपना फोन बिल्कुल साइलेंट पे करके अपना फिटनेस बैंड उतार के फिर सो पाती हूँ. तो इसी तरह बच्चों में भी सेम इसी तरह के मसले होते हैं. अगेन आप बेशक नाइट टाइम स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं या आप कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, जब तक आपका पूरा घर उस रूटीन को फॉलो नहीं करेगा आपका न्यूरो डाइवर्स बच्चा शायद सुकून से नहीं सो पाएगा. बिकॉज अगेन अलीना वाली बात है कि उनके बहुत सारी सेंसरी नीड्स होते हैं. एक घड़ी कमरे में लगी हो वो किसी इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद किसी के लिए उसकी टिक टिक सारी रात उसके दिमाग में लगती रहेगी. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग इन माइंड, उसके अलावा हमें एंजाइटीज को देखना होता है. अगर एंजाइटी का लेवल हाई है तो भी बच्चे सो नहीं पाते हैं, फिर हमें उसके कंसर्न को देखना होता है. सो अगेन नींद मैं हमेशा बात करती हूँ कि इन जनरल कि अगर आप रात को सुकून से सो पाते हैं ना तो आप बड़े ब्लेस्ड लोग हैं जो भी सो पाता है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं. सो नींद को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उस पर काम करने की बहुत जरूरी है. और आपने जो भी प्रेजेंटेशन में चीजें डाली हैं दैट इज वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी टू द पॉइंट अगर हम इसको समझ लें तो, क्योंकि अगले पूरे 24 घंटे की फंक्शनैलिटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि हम लास्ट नाइट ठीक से सो पाए हैं या नहीं. ये ऐड करना चाह रही थी मैं. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच शहीरा, आपने इतने वैल्यूएबल पॉइंट्स को चैट किए। अच्छा, कुछ एक पेरेंट है जो ये जानना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसा बायोमेडिकल सप्लीमेंट है जो बच्चे को नींद के लिए दिया जा सकता है। तो अगेन मेलेटोनिन दी जाती है, लेकिन जब तक आप अंडरलाइन मेडिकल इश्यूज को नहीं रिजॉल्व करोगे तो चाहे आप जितने मर्जी सप्लीमेंट्स दे दो, बच्चे के लिए उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। और मेलेटोनिन भी ऐसे करती है कि वो इट कैन पुट योर चाइल्ड टू स्लीप,
यानी कि वो ठीक है, शायद हो सकता है 1 घंटा सो ले या 2 घंटे सो ले, लेकिन जितनी मेलाटोनिन होती है वक्त के साथ साथ वो बॉडी में जाके ऑक्सीडाइज, कहना चाहिए कि वो खत्म होती जाती है, तो साथ ही बच्चा उठ के बैठ जाता है। तो अगेन अगर उसकी बॉडी में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, फॉर इंस्टेंस कोई जेनेटिक फैक्टर है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से अभी डिस्कस करना चाहिए। एक कोई रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट अ सप्लीमेंट रिगार्डिंग मेलाटोनिन, तो वो कोई ऐसा, अभी इट इज स्टिल अंडर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो ऐसा है कि वो बड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली जो से मेलेटिनिन ना बॉडी में, जब मेडिसिन बच्चा खा लेगा तो उसकी बॉडी में जाके मेलेटिनिन को रिलीज करेगा, तो वो बेनिफिशियल हो सकता है लॉन्गर टर्म में कि बच्चा सारी रात सो सके। अदरवाइज बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप मेलेटिनिन देते हो तो बच्चा रात को उठ पी सके। ओके नईम खालिक, व्हाट इज योर नंबर? मेरी आई थिंक मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी नाउ, देखिए आप मुझे मैसेज कर दें अगर आपका कोई कंसर्न है ऐसा स्लीप से रिगार्डिंग, या कोई ऐसी बात पूछना चाह रहे हैं। वेबसाइट अबाउट ऑटिज्म रिसर्चेस एंड क्योर्स, अच्छा क्योर की तो हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि ऑटिज्म से रिगार्डिंग जो रिसर्चेस हैं वो आपको पबमेड पे भी मिल जाएंगी। इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनके सारे के लिंक्स मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ग्रेट मैम, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच रोजीना। मैं अपनी बेटी को मेलेटिनिन देती हूँ 3 mg, बट वो डीप स्लीप नहीं लेती, हमेशा 4 घंटे बाद जाग जाती है और बहुत ज्यादा रोती है, और कोई लाइट भी नहीं होती ना कोई साउंड होता है, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, इसमें तो अगेन अगर मेलेटिनिन असर नहीं करी हुई बात तो प्रॉब्लम हो सकती है कि जो बच्चे रात को उठते हैं, एक तो लेबर का इश्यू हो सकता है उन बच्चों में, इसके अलावा आपके जो पैरासाइट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऐसे बच्चों में। आप चेक करें आपके बच्चों को पैरासाइट्स का प्रॉब्लम तो नहीं है। मज़ीद आप जो इस चीज़ में देख पाएंगे कि ऐसे बच्चों को रिफ्लक्स का होता है, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है, तो ये 3-4 चीज़ें आप उनको चेक करिएगा, इनको आप डील करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो थ्रू शी विल स्लीप थ्रू द नाइट। हाउ टू डायग्नोज मेडिकल कंडीशंस रिगार्डिंग स्लीप, एनी स्पेसिफिक टेस्ट? देखिए आप जब स्लीप जर्नल मेंटेन करते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा एक सामने आपको नजर आ रहा होता है कि बच्चे की स्लीप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। मजीद जिनकी स्लीप बहुत ज्यादा क्रॉनिकली डिस्टर्ब होती है तो उसके बिल्कुल कुछ टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप वो करवा सकते हैं। एज यू सेड ही टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर बट हैव कॉन्स्टिपेशन एंड पिन वर्म्स। ओके तो देखिए पिन वर्म्स, ये आई थिंक वो पैरासाइट्स वाली स्लाइड में से शायद मिस हो गई है। पिन वर्म्स रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से रिजू करें और उनसे कहें कि आपको पिन वर्म्स के लिए या पैरासाइट्स के लिए कोई मेडिकेशन दे। इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीव करने के लिए, अगेन इट इज नॉट कंपल्शन के पानी की इनटेक सही है तो उसकी कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर ऐड कीजिएगा, चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, कैरेट जूस बहुत अच्छा होता है, कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं ऑफ एंड ऑन आप, कैस्टर ऑयल पैक्स होते हैं बेली मसाज करें उसका कैस्टर ऑयल से ही, और वो बहुत अच्छा रहता है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, स्पेशली एक्सरसाइज में भी साइकिलिंग करवाएं, क्योंकि अगर आपके बच्चे की बॉडी मूवमेंट नहीं होगी तो डेफिनेटली वो उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। ये कुछ चीजें हैं, इनको आप इंक्लूड करें, और कोई सवाल या कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो बताएं। अच्छा लीना, वो एक मदर ने जिसे पूछा 4 घंटे बाद उनका बच्चा उठ जाता है, उनको मैं रिकमेंड करना चाहूंगी अंडरलाइन इश्यूज के अलावा आप अगर वेटेड ब्लैंकेट यूज करेंगे तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर तो आप कराची में हैं तो ऑटिज्म स्टोर पाकिस्तान के नाम से एक फेसबुक पेज है जो कराची से ही रन होता है, उनके पास वेटेड ब्लैंकेट अवेलेबल है। और अगर आप लाहौर में है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं एक जगह को जानती हूँ जो कि वेटेड ब्लैंकेट बना के सेल आउट करते हैं, तो अगर आप यूज करेंगी तो आपके बच्चे को फायदा होगा, उससे वो सोया रहेगा थोड़ा ज्यादा लंबा अरसे तक। एब्सोल्युटली ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा इसके अलावा एक चीज होती है, अल्लाह माफी दे, कुछ बच्चों को सीजर्स का प्रॉब्लम होता है जो रात को नॉक्टर्नल सीजर्स जिसे कहते हैं, बच्चा जब सोया होता है तो उस टाइम वो सीजर्स ट्रिगर करते हैं, और इट इज नॉट कंपल्शन कि बच्चा को अगर कोई इस तरह का सीजर आ रहा है तो उसकी बॉडी भी जर्क्स भी होंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप 24 to 48 hours की EEG करवाएं, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से रिकमेंडेशन लें इस चीज के बारे में,
जब आप उसके सीजर्स को कंट्रोल करेंगे तो बच्चा की नींद भी ठीक होगी। और स्पेशली इसका सबसे बड़ा जो एक चीज जो आप नोटिस कर सकते हैं ना कि जिन बच्चों को नॉक्टर्नल सीजर्स होते हैं ना, वो सुबह बहुत थके हुए होते हैं, चाहे उन्होंने सारी रात नींद पूरी की है, वो सुबह इतने अजीब से एक उसमें होते हैं ना, ट्रांस में होते हैं, दे कैन नॉट सिट प्रॉपरली, दे डोंट वॉन्ट टू ईट एनीथिंग। तो इस चीज पे प्लीज जरूर आप चेक करिएगा। टॉक इन सिंपल लैंग्वेज, मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है इसको सिंप्लीफाई करके बता सकूं, बल्कि मैं स्टक भी कर जाती हूँ अक्सर, क्योंकि कोई लफ्ज ऐसे होते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती है जिनको उर्दू में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वेश्चन है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप वो मैंशन करते, मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से उसको और सिंप्लीफाई करके बता सकूँ आपको। जी बिल्कुल, मैं प्रेजेंटेशन आपसे शेयर कर दूँगी। Anyways, this is it. I think हमने सारे questions को answer कर दिए, और आपके कोई भी concerns हो आप please you can write to me or you can bag Shahira as well. मुल्तान में कोई shop जो blankets मिल जाएगी जो sleep के लिए, Shahira आप इसका answer करोगे? ब्लैंकेट जो है ना, देखें ऑटिज्म स्टोर पाकिस्तान है, मैं भी सेशन के बाद नीचे उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, वो उस पर आप मैसेज करेंगे तो आप जिस भी शहर में वो आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है? वो कोई मसला, आपने जिस केजी का लेना आपको डिफरेंट केजीज बताएंगे, उसकी प्राइस रेंजेस डिफरेंट होती हैं, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, आपको घर बैठे डिलीवर हो जाएगा। आई विल शेयर द लिंक आफ्टर दिस सेशन। और आकिफा, ये प्रेजेंटेशन जो थी है ARGP पे मौजूद होगी, आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, और मैं यूट्यूब जो हमारा पेज है उस पर भी इसको शेयर कर दूंगी। आप मजीद अगर कभी यहाँ से गुम जाए, अक्सर होता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि वीडियो कहाँ ही चली गई, तो आप यूट्यूब से भी जाके इसको देख सकते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी। आई होप कि आज का सेशन थोड़ा सा आपके लिए फ्रूटफुल होगा और बेनिफिशियल रहेगा हमारे छोटे बच्चों के लिए। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।